नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टूजस पे। तो आज हम लोग, अभी फर्स्ट पार्ट हमने देखा कुछ लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसमें कुछ माइक इशू था जिसकी वजह से आपका वीडियो उतना अच्छा नहीं बन पाया, पर फिर भी मैंने कोशिश की और मैंने उस वीडियो को पोस्ट कर दिया। तो ठीक है, आपके ईयर में अगर नॉइज़ भी मतलब फील हो रहा हो तो ठीक है, आप उसको झेल के कम से कम उस क्वेश्चंस को ज़रूर देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और अभी इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे 1948 की जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था, ठीक है उसको। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट एवर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ इंडिया वाज अनाउंस्ड इन, यानी पहली बार जो भारत की जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो कब आपका अनाउंस किया गया था। तो पहला ऑप्शन है आपका 1952, दूसरा है 1955, तीसरा है आपका 1948, चौथा है आपका 1960। तो 1948 में आपका फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन को अनाउंस किया गया था। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कशन करते हैं। हम लोग जब पहली बार हमने आज़ादी पाई, कब पाई थी याद रखिएगा कि आपके 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो फर्स्ट आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था वो आपका 30 अप्रैल, ठीक है, कौन सा डेट था, 30 अप्रैल 1948 को क्या किया गया, आपका पास किया गया है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं आईपीआर, आईपीआर मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, ठीक है, आपका आईपीआर हमारा बना। अब इसमें जो है बेसिक हमारी इंडस्ट्री को फोर जो है ब्रॉड ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, जो हमारी इंडस्ट्री होती है उसको हम यहाँ पर फोर ब्रॉड ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जैसे पेपर में आपके क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था उसमें जो आपकी इंडस्ट्री थी वो कितने ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड की गई थी, तो फोर जो है आपके ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड की गई थी, ठीक है, ओके। अब इसके आगे देखते हैं, तो आपका वो ब्रॉड ग्रुप क्या था, अगर हम ग्रुप वन की बात करें, ठीक है, ग्रुप वन वन जो है आपका यहाँ पर बेसिक एंड स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज थी, ठीक है। यहाँ पर आपकी कौन सी इंडस्ट्री थी, मैं वन वन पॉइंट लिखते चल रही हूँ, बेसिक एंड स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री, ठीक है, याद रखिएगा बेसिक एंड स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री। जैसे बेसिक एंड स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री में जैसे आपका आर्म्स, ठीक है, आर्मी है ना, आर्म्स हो गया, एम्यूनेशन हो गया, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, सब आपके ग्रुप वन में आ गया। कौन कौन ग्रुप में वन में आया फिर से मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखोगे आप आर्म्स एंड एम्यूनेशन, एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, ठीक है, ये सब आपके ग्रुप वन में आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो मोनोपोली था, मतलब सिर्फ जो ये सब इंडस्ट्रीज़ पे ध्यान देने का काम था वो किसका था, आपके स्टेट यानी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का था, ठीक है, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सक्लूसिव मोनोपोली किसको थी, आपके स्टेट को थी, क्लियर। अब बात कर लेते हैं ग्रुप टू की, तो यहाँ पर की इंडस्ट्रीज़ को रखा गया था ग्रुप टू में, क्योंकि हम ब्रॉड कैटेगरी देख रहे हैं तो हमारा ग्रुप टू था। अब ग्रुप टू में कौन आया, तो ग्रुप टू में आप देखोगे कि जैसे आपकी की इंडस्ट्रीज़ है, जैसे कोल हो गया है ना, की इंडस्ट्री कोल आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, स्टील आ जाएगा, ठीक है, स्टील आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग की जितनी चीज़ें हैं, टेलीग्राफ, ठीक है, टेलीग्राफ आ जाएगा, क्लियर, टेलीफोन, ऑयल, ये सारी चीज़ें आपकी ग्रुप टू में आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका द स्टेट टुक ओवर द एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल फ्यूचर डेवलपमेंट, यानी ये जो आपकी इंडस्ट्रीज थी जैसे आपका कोल, आयरन, स्टील, टेलीग्राफ, माइनिंग, ठीक है, मिनरल, ऑयल, ये सब पे जो है कौन एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, इसका सरकार लेगी, यानी आपकी गवर्नमेंट यानी स्टेट लेगी, ठीक है, स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात किया जा रहा है। द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री वर अलाउड टू फंक्शन फॉर 10 ईयर, यानी जो इंडस्ट्री है ये सिर्फ 10 10 साल के लिए यहाँ पर काम करेगी, ठीक है, 10 ईयर्स के लिए ये काम करेगी, ये भी 10 ईयर्स के लिए, ठीक है, ये सारी इंडस्ट्री जो है आपकी ग्रुप टू की वो 10 10 सालों के लिए काम करेगी, ठीक है। और आफ्टर द एंड ऑफ टेन्योर, जैसे ही उनका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, स्टेट जो आपका सरकार है यानी जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिव्यू करेगी कि फिर से इसको आगे जो है इस इंडस्ट्री को जो है आगे ग्रोथ करवाना है कि नहीं। तो ये ग्रुप टू की बात रही। अब ग्रुप जो आपका थ्री था,
ग्रुप थ्री में क्या है, ग्रुप थ्री में हम देखेंगे कि बेसिकली इसमें आपके 18 इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है। यहाँ पर ग्रुप थ्री की बात कर लेते हैं, तो ग्रुप जो आपका थ्री है वो कौन सी इंडस्ट्री है, ग्रुप थ्री में आपका 18 इंडस्ट्री, ठीक है। यहाँ पर 18 इंडस्ट्री आपके ग्रुप थ्री में आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपका 18 इंडस्ट्री में बेटे बेसिकली कौन कौन सी है, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, ठीक है, ओके। यहाँ पर आपका ट्रैक्टर आ जाएगा, मशीन, टूल्स, है ना, मशीन आ जाएगा, क्लियर। यहाँ पर लिख दे रही हूँ मैं, मशीन, टूल, ये सारे आपके ग्रुप 18 मतलब कि जो ग्रुप थर्ड में आ जाएंगी, क्लियर। तो यहाँ पर जो है प्राइवेट सेक्टर अलाउड टू ओपन द इंडस्ट्री, ठीक है। यहाँ पर जो है प्राइवेट सेक्टर जो है अपनी इंडस्ट्री ग्रुप थ्री में अलाउ कर सकता है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर वॉज अलाउड टू ओपन दीज इंडस्ट्री सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड सुपरविजन। यानी यहाँ पर ग्रुप तीन को याद रखिएगा कि प्राइवेट जो है वो यहाँ पर खोल सकती है मशीन के, ऑटोमोबाइल्स के, ट्रैक्टर के इंडस्ट्रीज़ को, पर किसके अंतर्गत रहेगी, आपके सरकार के सुपरविज़न में रहेगी। ऐसे ही आपका ग्रुप फोर है, ग्रुप फोर में जितनी भी रेस्ट रिमेनिंग इंडस्ट्री रह गई वो ग्रुप फोर में आपकी चली गई, ठीक है। यानी ग्रुप फोर में आपकी क्या हो गई, ठीक है, ग्रुप फोर में आप देखोगे कि आपकी जो रिमेनिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, यहाँ पर आपकी रिमेनिंग इंडस्ट्री हो जाएगी, क्लियर। याद रखिएगा कि द गवर्नमेंट कैन पार्टिसिपेट और इंटरवीन इफ़ द नीड इज़ अराइजेज। अगर आपका ये ग्रुप जो फोर है यहाँ पर अगर सरकार को ज़रूरत पड़ती है तो सरकार इस ग्रुप में आपका इंटरवेंशन यानी आपका आ सकती है और जो भी अगर प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व भी कर सकती है। सारी चीज़ें यहाँ पर सरकार कर सकती थी, क्योंकि हम लोग पहली बार जो है आज़ाद हुए थे तो इसी वजह से हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते थे, ज़्यादा हम प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहते थे, क्लियर। तो अगर हम पूरा क्रक्स देखें इसका, आपके 1948 के थ्योरी का, सॉरी आपके इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन का, तो यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है कि हम ज़्यादातर एम्फसाइज़ कहाँ पर करते हैं, ये भी पेपर में पूछ सकता है आपके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और कहाँ पर पूछ आपका कर सकता है, एंड कॉटेज इंडस्ट्री में, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री में, क्लियर। यहाँ पर फोकस किया गया था 1948 के आपके इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन में, ठीक है। और आप देखते हो कि गवर्नमेंट पास करती है एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट को, ये भी पूछता है कि गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन कब पास करती है, तो याद रखिएगा 1951 में, 1951 में सरकार क्या पास करती है आपका, यहाँ पर लिख दे रही हूँ मैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेजोल्यूशन, ठीक है, इसको जो है पास करती है आपकी सरकार, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हो इस ये आपके मेन पॉइंट्स रहे, क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 1956 का जो आपका गवर्नमेंट ने रिविजिट किया आपके आईपीआर पे, उसको हम लोग देखेंगे। तो अगर आपको यहाँ पर कुछ समझ में आएगा चीज़ तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन बताइएगा। और याद रखिएगा कि 1948 की जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था, इसमें चार आपके ग्रुप डिवाइड किए गए थे। फर्स्ट ग्रुप जो है आपका बेसिकली आपके जो बेसिक स्ट्रेटजिक इंडस्ट्री थी उस पर ध्यान दिया गया, तो स्ट्रेटजिक और बेसिक इंडस्ट्री में जैसे आपका आर्म एम्यूनेशन, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, ये सारी थी, और पूरा जो इस पर आपका मोनोपोली था वो किसका था, सरकार का। सेकेंड जो हमारी ग्रुप होता है वो हमारा की इंडस्ट्री है, जैसे आपका आयरन, कोल, स्टील, है ना। यहाँ पर क्या किया गया कि पूरा एक्सक्लूसिव जो पावर है वो सरकार को ही दिया गया, यहाँ पर भी स्टेट ही आपकी ओन करती थी। और इस इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि सिर्फ 10 साल के लिए दिया गया कि अब 10 साल के लिए जो है अपना फंक्शन कर सकते हो, अगर दिक्कत होगा तो फिर आपको बाद में रिव्यू किया जाएगा एज़ पर द नीड। थर्ड जो हमारा ग्रुप था जिसमें कि हमने 18 इंडस्ट्री देखी थी, पूछा जाता है कि ग्रुप थ्री में कितने इंडस्ट्री आते हैं, तो ग्रुप जो है आपका थर्ड है उसमें 18 इंडस्ट्री आती है, जो कि प्राइवेट भी यहाँ पर आ सकता है, प्राइवेट भी आकर जैसे आपका ऑटोमोबाइल्स हो गया, ट्रैक्टर हो गया, मशीन, टूल्स, ये सब में, क्लियर, और आप ओपन कर सकते हैं। एंड गवर्नमेंट का रेगुलेशन होगा अगर जैसे कोई भी प्राइवेट सेक्टर अलाउ है ओपन करने के लिए इंडस्ट्री को, पर यहाँ पर सब्जेक्ट टू
गवर्नमेंट रेगुलेशन होगा, यानी सरकार के सुपरविज़न में ही वो ओपन करेगा। एंड ग्रुप फोर क्या था, जो रिमेनिंग इंडस्ट्री रह गई थी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ग्रुप फोर में आपका सरकार पार्टिसिपेट कर सकती है, यानी इंटरवेंशन कर सकती है। अगर हम पूरा इस थ्योरी का क्रक्स देखा हमने 1948 के, तो यही था कि आपके फर्स्ट जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन था वहाँ पर हम कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर फोकस करते हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा 1956 के आपके IPR पे होगा। धन्यवाद।